दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपको मेरे चैनल होम्योपैथिक उपचार पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम एक बहुत ही बेहतरीन दवा के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है एस्कुलस हिप। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों एस्कुलस हिप का एक मेन जो स्फीयर ऑफ एक्शन है वो होता है ब्लड के ऊपर। ब्लड के ऊपर का मतलब ये होता है कि ये शरीर में जहाँ जहाँ पे भी ब्लड इकट्ठा हो जाता है वहाँ पे इसका एक्शन होता है और वहाँ पे महसूस होता है, सेंसेशन होता है, जैसे फुलनेस, भरा भरा सा महसूस होता है। अब ये कहीं पे भी हो सकता है, ये हार्ट में भी हो सकता है, फेफड़े में हो सकता है, स्टमक में हो सकता है, स्किन में कहीं पे हो सकता है, स्पेशली जो होता है ये पोर्टल सिस्टम में और लीवर के केस में, लीवर में और पोर्टल सिस्टम में ज़्यादा होता है। जैसे कि इसको हेमराइडल मेडिसिन भी बोली जाती है, जो कि ये नीचे के साइड में पोर्टल सिस्टम में वहाँ पे कंजेशन पैदा करती है और जिसकी वजह से हेमराइड्स या लैट्रिन के पास में ऐसी कंडीशन, ऐसी फीलिंग होती है कि जैसे भरा भरा से महसूस हो रहा है। तो ये अच्छा हेमराइड्स होता भी इसीलिए है कि ब्लड इकट्ठा होने की वजह से। तो ऐसे केस में बहुत बढ़िया काम करती है, खास तौर से अगर हेमराइड्स या जिसको बवासीर बोलते हैं हम लोग, अर्श बोलते हैं, तो ये अगर बादी हो, कभी कभी ये ब्लीडिंग पाइल्स भी होती है लेकिन ज़्यादातर ये बादी पाइल्स होती है, बादी बवासीर होती है। हाँ पुराना केस हो जाता है तो ये ब्लीडिंग पाइल्स में भी काम करती है, अगर पुराना है काफ़ी और ब्लड ब्लड कर रहा है तो वहाँ पर भी काम करती है। एस्कुलस हिप का जो पेशेंट होता है ये बहुत ही गुस्से वाला होता है, इरिटेबल होता है और बहुत जल्दी ही इरिटेट हो जाता है। गुस्सा बहुत तेज आता है, बहुत जल्दी आता है और गुस्सा शांत होता है तो धीरे धीरे शांत होता है, ये इसका बड़ा खास सिम्टम है। ऐसा पेशेंट एस्कुलस हिप का होता है, बहुत तेज़ गुस्सा आता है और चिड़चिड़ापन इतना होता है कि माजरली चिड़चिड़ापन, जैसे कैमोमिला का पेशेंट होता है, चिड़चिड़ाहट बहुत ज़्यादा होती है इस पेशेंट के अंदर। एस्कुलस हिप के म्यूकस मेम्ब्रेन पे ज़बरदस्त एक्शन होता है और उसमें कुछ खास सिम्टम आते हैं। अब आपका मुंह से ले करके और एनस तक म्यूकस मेम्ब्रेन जहाँ जहाँ पे भी है, मुंह में, गले में, एनस के पास में, वहाँ पे ये स्वेलिंग प्रोड्यूस करता है, ड्राइनेस प्रोड्यूस करता है, रानेस महसूस होता है, स्वेलिंग होती है, सूजा सूजा सा महसूस होता है ब्लड इकट्ठा होने की वजह से, ड्राई हो जाता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, रानेस होती है, दर्द, हल्का हल्का दर्द हमेशा महसूस होता है, सूखापन महसूस होता है। ये इसका एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, जब आप इसको चूज करिए तो इस सिम्टम पे भी ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर आपको सही चूज करेंगे तो बढ़िया काम करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि ये जहाँ पे भी इसका एक्शन होगा वहाँ पे ड्राइनेस होगी, रानेस होगा, स्वेलिंग होगी, बर्निंग होगी, ये सारे सिम्टम्स होंगे। अब ये हमारे गले में फॉलिकुलर फेरिंजाइटिस वहाँ पे इन्फ्लेमेशन पैदा करती है और इन्फ्लेमेशन के साथ साथ में यही सारे सिम्टम्स आपको मिलेगा वहाँ पे कि स्वेलिंग होगी फेरिंग्स में, रानेस होगा, बर्निंग होगी, ड्राइनेस होगा, सूखा सूखा महसूस होगा। इसके साथ साथ में एक बड़ा इसका पेक्यूलियर सिम्टम होता है लंबोसैक्रल बैकएक, कमर में दर्द, और ऐसा दर्द कि जैसे लग रहा है कि कमर टूटी जा रही हो, ये सिम्टम इसके साथ साथ में जिस भी रोग में मिले आप अगर ये दवा देते हैं बहुत बढ़िया काम करती है दोस्तों। तो फॉलिकुलर फेरिंजाइटिस की भी एक बहुत अच्छी दवा है, बट कंडीशन ये है कि इसके साथ में आपको लंबोसैक्रल बैकएक होना चाहिए। एस्कुलस हिप का पेशेंट दोस्तों बार बार निकलना चाहता है, सलाइवा थूक अंदर निकलना चाहता है, उसको ये फील होता है कि अंदर जैसे कोई चीज़ गले में पड़ी हुई है और उसको बार बार निगलता है, वहाँ पे उसको वही चीज़ होती है, स्वेलिंग, ड्राइनेस होती है, रानेस होती है, बर्निंग, जलन जैसे महसूस होता है और बार बार वो थूक को निगलता रहता है, उसको अच्छा लगता है। तो ऐसे केस में भी आप एस्कुलस हिप दे सकते हैं, बहुत बढ़िया। दोस्तों ड्राइनेस एंड हीट इन रेक्टम, रेक्टम में इनल ऑरिफिस की जगह पे
ड्राइनेस हो, बर्निंग हो, ऐसा लगे कि जैसे कोई चीज़ चुभी जा रही हो, जैसे खपचारी होती है ना लकड़ी की, जैसे लग रहा है कि कुछ चुभ रहा हो बार 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 बार, और साथ में कमर में दर्द हो। अब ये चीज़ लैट्रिन करने के दौरान या लैट्रिन करने के बाद भी हो सकती है, तो ऐसे केस में आप एस्कुलेसिप देते हैं, बहुत बढ़िया काम करेंगे दोस्तों। चूँकि ये स्पेशली हेमराइडल मेडिसिन है और होम्योपैथिक जगत में आप बोलिए तो बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है ये हेमराइड्स के लिए, चाहे वो जिस भी प्रकार का हो, स्पेशली बादी बहुत ठीक है, बादी में ज़्यादा अच्छा काम करता है। अब इसकी खास बात क्या होती है कि जब आपने देखा होगा बड़े सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको लैट्रिन करने के बाद जलन, लैट्रिन के रास्ते में दर्द, और ये दर्द घंटों बना रहता है, ऐसे केस के लिए कई सारी मेडिसिन है, उसमें वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है एस्कुलेसिप। साथ में अगर है कमर में दर्द, कमर जैसी टूटी जा रही हो, तो ये बेस्ट काम करती है दोस्तों। और साथ में लैट्रिन के रास्ते में जलन होती है, खुजली होती है, ठीक है, फुलनेस सा महसूस होता है, भरा भरा सा महसूस होता है लैट्रिन के रास्ते में, और सोरनेस होती है लैट्रिन के रास्ते में, हल्का हल्का दर्द बना रहता है, तो इन सारे सिम्टम पे अगर आप एस्कुलेसिप देते हैं तो ये बहुत बढ़िया। एस्कुलेसिप प्रोलैप्सस यूटेराई, जब बच्चेदानी बाहर आने लगती है, तो उसकी भी बहुत अच्छी दवा है। ऐसे केस में जबकि बच्चेदानी बाहर आ रही हो, साथ में कमर में दर्द हो, और कमर का दर्द वही जैसे कमर लगती टूटी जा रही हो, फुलनेस महसूस हो, ड्राइनेस महसूस हो, ठीक है, साथ में ल्यूकोरिया भी हो सकती है, ठीक है, डार्क ल्यूकोरिया होता है इसमें, तो अगर ये सारे सिम्टम मिल रहे हैं आपको, तो आप प्रोलैप्सस के केस में भी आप दे सकते हैं ये ट्राइन प्रोलैप्स में, तो बहुत बढ़िया। सीवियर डल बैक इन लंबो सैक्रल आर्टिकुलेशन, जहाँ लंबर और सैक्रल ज्वाइंट मिलते हैं, उस जगह पे अगर स्पेशली बहुत तेज दर्द हो और लगातार बना हो, ठीक है, और ये अफेक्ट करता है आपके सैक्रम और हिप रीजन को भी, वहाँ तक फैल जाता है, ऐसा लग रहा है जैसे टूटी जा रही हो कमर, तो ऐसे केस के लिए बहुत बढ़िया दवा है ये, किसी भी बीमारी में हो, इसका ध्यान दीजिए, किसी भी बीमारी में हो आप एस्कुलेसिप दीजिएगा, बहुत बढ़िया काम करेगा। जैसा कि मैंने बताया, ये ब्लड का एक जगह कलेक्ट कर देती है, फुलनेस पैदा कर देती है, और ये यकृत पे, लीवर पे भी इसका अच्छा एक्शन होता है, ये लीवर के केस में भी, लीवर की बीमारी में भी, जब लीवर में राइट साइड में जहाँ पे राइफ हाइपोकॉन्ड्रियम होता है, वहाँ पे अगर चुभन की तरह दर्द हो और साथ में कमर में दर्द हो, ऐसा लगे जैसे टूटी जा रही है कमर, कॉन्स्टिपेशन हो इसके साथ में, तो आप उस केस में भी फुलनेस भरा भरा से महसूस हो उस रीजन में, तो आप वहाँ पे एस्कुलेसिप दीजिए, बहुत बढ़िया काम करेगी दोस्तों। एस्कुलेसिप की जो कंडीशंस होती हैं वो ज़्यादातर चलने से, मोशन से, झुकने से, ठंडी हवा लेने से, इसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं दोस्तों। दोस्तों आपने देखा होगा कि ये लेडीज़ की बहुत अच्छी दवा है, इसका मेन कारण क्या है कि आप देखिए कि लेडीज़ की ज़्यादातर जो तकलीफ़ें होती है उसमें कमर दर्द अक्सर होता है, और ख़ास तौर से अगर इस तरह का कमर दर्द हो जैसे कमर टूटी जा रही हो, अक्सर पेशेंट ऐसे बोलते हैं कि कमर अक्सर टूटी जा रही है, तो उस केस में एस्कुलेसिप बहुत बढ़िया काम करती है, चूँकि फुलनेस पैदा करती है, प्लीथोरिक होता है, मैंने बताया आपसे कि हेमराइडल टेंडेंसीज की होती है, इसके अलावा ये ल्यूकोरिया के केस में बहुत अच्छा काम करती है, पीले रंग का ल्यूकोरिया, गाढ़ा मांस गला देने वाला, लगने वाला एक्रिट टाइप का ल्यूकोरिया इसमें होता है, साथ में कमर दर्द आपने अक्सर देखा होगा, उसकी अच्छी दवा है, आप वहाँ पर दीजिए, एस्कुलेसिप बढ़िया काम करेगी। इसके अलावा बच्चेदानी में सूजन हो, बच्चेदानी में टपकन जैसा दर्द हो, बच्चेदानी टेढ़ी हो जाए, ठीक है, तो उन सारी केस में भी एस्कुलेसिप बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों, वहाँ पे टपकन जैसा दर्द, साथ में कमर का दर्द, कमर का दर्द हर एक केस में बहुत ही मोस्ट पिकुलियर सिम्टम है इसका, वो चीज़ इसके साथ में है जिस भी बीमारी में, उसमें आपको फिर बीमारी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर वो सिम्टम आपके साथ में है, झुकने से चलने से तकलीफ बढ़ जाती हो, तो वहाँ पर आप एस्कुलेसिप दीजिएगा, जिस भी बीमारी में हो बहुत बढ़िया काम करेगी दोस्तों। तो दोस्तों आज की बात बस यहीं तक, कोई चीज़ अगर इसमें रह जाती है एस्कुलेसिप में,
चूँकि ये पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है तो संभव है इसमें बहुत सारी चीज़ें छूट जाए। तो अगर ऐसा हो तो आप किसी और भी टॉपिक पे आपको चाहिए वीडियो या इससे संबंधित या इसी में कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा उसके बारे में जानकारी, तो मैं उस टॉपिक को अच्छे से डिस्क्राइब कर दूँगा आपको। चाहे तो एक अलग वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो वीडियो बनाऊँगा, या फिर इसमें ही बताना पड़ेगा तो मैं बता दूँगा उसको। तो दोस्तों आज की बात इतनी ही। इससे अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक अपने शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा, और ताकि भविष्य में जितनी भी वीडियो आए उसकी सबसे पहले जानकारी आपको मिले दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वेलकम ऑन दिस होम्योपैथिक उपचार यूट्यूब चैनल।